हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल नंबर 1 और इंट्रोडक्शन देखनी है इस चैप्टर की, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रीशियन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसका नाम AD है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर, ठीक है। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. एक इलेक्ट्रीशियन को 1.3 meter नीचे जाना है इस पोल के, 1.3 meter नीचे जाना है टॉप से, टॉप हमारा A है, टॉप से वो एक जगह पे गई जिसका नाम हमने रखा B, और वो कितनी दूर है A से, 1.3 meter दूर है, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use with when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि लेंथ ऑफ लैडर, कितनी लैडर की लेंथ चाहिए, यानी कि BC चाहिए हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब ये जगह, नीचे वाली जगह, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो लेटी हुई जगह होती है। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, लेंथ निकालनी है लैडर की जो कि 60 डिग्री पे है, ठीक है। एक चीज तो ये निकालनी है, दूसरी चीज आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल क्या है, ये है। शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और फुट ऑफ द लैडर ये है, मैंने फुट बताया था किसी का भी पैर, टॉप लैडर का टॉप ये रहा, ठीक है। तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। एक तो इस फुट से, इस लैडर के फुट से पोल के फुट तक, और लेंथ ऑफ लैडर, लैडर कितना लंबा है, यानी कि जो आपकी लैडर है उसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनस निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम AD को 5 मीटर बोल रहे हैं, पोल कितनी है 5 मीटर, तो BD कितना होगा, यानी कि ये जगह कितनी होगी, टोटल में से इसको माइनस कर दो ये निकल आएगा, ठीक है। टोटल में से इस पोर्शन को माइनस कर दो, हमारा BD निकल जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू AD माइनस AB, टोटल माइनस दिस वन, यानी 5 माइनस 1.3, कितना आ गया ये 3.7, यानी कि BD हमारा कितना आ गया 3.7 मीटर, यानी कि हमें यहां से यहां तक मिल गया 3.7। अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ द लैडर पूछा था, मुझे ये पोर्शन मिल गया है, ये निकालना है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम BC को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, क्योंकि ये एक 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि पोल वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड से, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया है और हाइपोटेनस भी पता चल गया है। हमें अब निकालनी है BC, यानी फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ निकालनी है। तो हमें तो ये पता चल चुका है कि BDC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, P है और H है, P और H का साइन का फॉर्मूला होता है, साइन C यानी ये 60 डिग्री, C पे क्या है 60 डिग्री, P क्या है हमारा BD और H क्या है हमारा BC, ठीक है। साइन 60 कितना होता है बच्चों, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो वैल्यू पुट कर दी √3/2। BD कितना दे रखा है बच्चों, BD 3.7 है, तो 3.7 पुट कर दिया। BC ये हमें निकालना है, ये डिवाइड का वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो BC × √3 और 2 यहां डिवाइड का वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। √3 यहां मल्टीप्लाई का ही है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, √3 यहां चला जाएगा, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73, ठीक है। तो 1.73 पुट कर दिया, और 3.7 × 2 कितना होता है 7.4, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा 4.27 आया लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर कितनी आई हमारी 4.27 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि फुट के
ये पोल के फुट से लैडर के फुट तक की दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। अब हम वो निकालते हैं, तो आपको ये निकालना है, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर का क्या होता है फॉर्मूला, टैन होता है। टैन कितना, 60। टैन 60 कितना होता है, रूट थ्री। बीडी 3.7 दे रखी है, सीडी हमें निकालना है, तो सीडी यहां चला गया, रूट थ्री यहां आ गया, ठीक है। रूट थ्री की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, रूट थ्री इज इक्वल टू 1.73 है, तो वैल्यू पुट कर दी 1.73, वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर कितना आ गया, 2.14 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 2.14 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द पोल टू फुट ऑफ द लैडर इज 2.14 मीटर।